बॉडी बिल्डिंग में मैं पिछले 8 साल से थी और मेरे को पहचान दिलाने वाले ये भाई साहब है। और आप लोग मुझे पहचानते हैं तो सिर्फ इन्हीं वजह से पहचानते हैं। मैं यही कहूंगी कि भाई साहब आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। होता हूँ अगली कड़ी में बहन प्रिया मेघवाल अपनी आए और अपनी बात रखे। प्रिया मेघवाल जी, आप सभी इनसे परिचित हैं और ये बहन का पहले भी यहाँ भादरा में प्रोग्राम हो चुका है। अभी राजस्थान की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर है। इन्होंने हाल ही में अभी थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश का और समाज का नाम रोशन किया है। मैं बहुत मंगल कामना देता हूँ बहन को। बहन आया अपनी और बात रखे। मंच पे उपस्थित चंद्रशेखर भाई साहब और जितने भी अतिथिगण हैं उनको मेरा नमस्ते। सामने जो भाई बहन बैठे हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम। और आज मैं एक बात बोलने वाली हूँ आपसे। बॉडी बिल्डिंग में मैं पिछले 8 साल से थी और मेरे को पहचान दिलाने वाले ये भाई साहब हैं। सोशल मीडिया पे आपने देखा ही होगा कि भाई साहब ने सबसे पहले मुझे मेडल पहनाया, तब आप लोगों से पहचान हुई है मेरी, वरना प्रिया को कोई नहीं जानता। तो तहे दिल से भाई साहब का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे समाज से मिलाया। सच बात यह है कि मुझे इतना बड़ा समाज है और ये सब कुछ नहीं पता था, तो हमेशा सदैव भाई साहब की इस चीज की आभारी रहूंगी। और भाई साहब पधारे हैं और मैं जयपुर से आई हूँ, सिर्फ भाई साहब के लिए आई हूँ, और इससे बड़ी बात क्या होगी। और आप लोग मुझे पहचानते हैं तो सिर्फ इन्हीं वजह से पहचानते हैं। कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता। मैं इन्हीं के लिए बोल रही हूँ। मैं भी आप ही लोगों की तरह थी, बिल्कुल। आप तो आज मुंह खुले बैठे हो, मैं तो घूंघट में बैठती थी। बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, बहुत कम पढ़ी हूँ, 5 क्लास तक पढ़ी हूँ। बॉडी बिल्डिंग में आना कोई गेम वो ड्रीम नहीं था मेरा, सपना नहीं था। पापी पेट के लिए आना पड़ा। और आज जहाँ खुद को देखती हूँ तो समझती हूँ कि ज्यादा नहीं 2% योगदान तो अपने मैंने अपने समाज के लिए दिया है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं यही कहूंगी कि भाई साहब आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे और हमारे समाज को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी।